दिव्या काकरान, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, तो मम्मी ने कहा इसको अखाड़े में छोड़ के आओ, जब एक दो पटके लगेगी नहीं खुद ही स्कूल भागेगी। बात ये हुई थी, पर लेकिन मैं तो अखाड़े में गई, इतना मजा आया, मतलब किसी को भी पटक रहे या दोहरे या अच्छे से मजा आया। तो पहले तो पैसे के लिए लड़ी थी, घर की प्रॉब्लम के लिए लड़ी थी, पर लेकिन अब यही चीज़ इसमें बन चुकी है कि अपने देश के लिए मेरे को ओलंपिक से गोल्ड लाना है, ओलंपिक में जाना है। और जब मैं पहली बार प्लेन में बैठी तो मेरी दादी ने मेरे से पूछा, कैसा लग रहा था पप्पू तुझे जब तू प्लेन में बैठी, तो खिड़की खोली तो नहीं थी, हाथ तो बाहर नहीं हला। वो ऐसे बोल रही, पर लेकिन भगवान ने एक दिन ऐसा करके दिखाया कि मैंने अपने दादा दादी को दोनों को प्लेन में बैठाया। मैंने कहा अब आप देखो, तो पापा ने गाँव में से भी कितना कर्जा लिया मेरे लिए, तो और यही बात कि अब मेरे लिए कर्जा लिया उन्होंने मेरी स्पोर्ट के लिए, तो अगर वो मेरी शादी के लिए कर्जा लेते तो क्या होता, उनको चुकाना भी भारी हो जाता, पर उन्होंने मेरी स्पोर्ट के लिए कर्जा लिया और आज मैंने वो कर्जा सारा उतार दिया उनका। तो यही कि 10वीं 12वीं के बाद हमारे गांव में भी लड़कियों की शादी करा देते हैं, कहीं किसी से कर्जा ले रहे, कभी किसी से कर्जा ले रहे, पर लेकिन अगर वो कर्जा उसकी पढ़ाई के लिए, उसके खेल कूद के लिए, जो वो करना चाहती है उसके लिए लिया जाए, तो एक दिन गारंटी कह रही हूँ, एक दिन ऐसा आएगा लड़के वाले खुद कहेंगे दहेज हम देंगे, आप अपनी बेटी दो। एक बात बताओ, सच्ची पॉलिटिशियन तो नहीं बनना तुम्हारे को? बनना है। वो मुझे फुल लक्षण दिख रहे हैं तुम्हारे इस समय। Which brings us to our next charter demand, sufficient coaching along with financial support for those of us who are in the field of sports. Divya ne bade passionately apni baat rakhi hai. Ab aap jaake unhe bolna, sab yehi bol rahe hain, kya ladki paida kari hai. Main bas ye bolna chahungi kyunki ab world championship, Asia championship aa rahi hai, world championship aa rahi hai, to hamari olympic ki qualify ke liye hum jayenge, to aap sab aashirwad diye कि मैं ओलंपिक में मेडल लाऊं, तो पता नहीं किसका आशीर्वाद कहाँ पे काम आ जाए, और मैं आशीर्वाद पे ना बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो आप मुझे दोनों हाथ से आशीर्वाद दें कि मैं अपने देश का नाम रोशन कर सकूँ, ओलंपिक से गोल्ड मेडल लाऊं। मैं दे रही हूँ।